ये तस्वीरें नई नहीं हैं। हर साल दिल्ली के प्रहलादपुर अंडरपास पर यही हाल होता है। यहाँ जरा सी बारिश में इतना पानी भरता है कि यहाँ से निकलने वाली गाड़ियाँ इसमें आधी डूब जाती हैं और लोगों की गाड़ियाँ खराब होकर बीच सड़क पर बंद हो जाती है। ये आपकी ट्रेन फंस गई है, कैसे फंस गई? गाड़ी हमारी, ज्यादा पानी नहीं था, हमारी गाड़ी बंद हो गई थी। उसके बाद में बारिश 3 घंटे से लगातार ही और स्पीड से बढ़ गई, इसीलिए मेरी गाड़ी उसी में रह गई। तो कैसे, मतलब वहाँ से फिर पानी से निकल के कैसे आ रहे हो? पानी से निकल के कंधे के ऊपर लद के आई, 3 घंटे तक गाड़ी की छत पर बैठे रहे हैं। तो क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से ये कहेंगे, अंडरग्राउंड बनवाने का ये कौन सा तरीका है? अब कहने के लिए हमारी सुनेगा भी कौन? सड़क पर कमर तक भरा ये पानी सिविक एजेंसियों की पोल खोलता है। हर साल ये हाल होने पर भी क्या तैयारियां उनकी होती हैं? ये इन तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है। इलाके के लोगों की शिकायत है कि हर बार संबंधित विभाग को शिकायत की जाती है, उसके बावजूद उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती और लोगों को कई बार हादसों का भी शिकार होना पड़ा। यहां से गुजर रही गाड़ी में सवार 4 लोग एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बचे। जलभराव के चलते बीच सड़क पर उनकी गाड़ी बंद हो गई, जिसके बाद कार सवार लोगों ने खिड़की से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बारिश के चलते जहां लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है, वहीं जलभराव की वजह से उनकी परेशानियां भी बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।